इस वीडियो में आपको बताऊंगी साड़ी में से अम्ब्रेला कट फ्रॉक कैसे की साड़ी थी तो कुछ साड़ी डिजाइनर थी तो उसमें से मैंने चुन्नी निकाल लिया है और कुछ नीचे का पार्ट था जिसमें ये फ्लावर हैं वो मैंने अलग पीस कर लिया है और देखिए ये पार्ट हमारा प्लेन है तो मैंने इसको अलग कट कर लिया है। तो जो प्लेन है इसमें से नीचे का घेर आएगा और देखिए जो ये डिजाइन है इसमें से हमारा ब्लाउज आएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज कट कर लेते हैं। तो देखिए जो ये डिजाइन है इस डिजाइन को मैं आगे पीछे ब्लाउज मिलूंगी क्योंकि इतना साइज है जो हमारा उसके हिसाब से ये डिजाइन हमारे आगे पीछे आ जाएगी। तो इसके लिए पहले हम ड्राफ्ट अस्तर पे कर लेंगे और अस्तर पे ड्राफ्ट करने के बाद फिर इस पीस को कट करेंगे। तो देखिए अस्तर को मैंने धो लिया है, ये कॉटन का अस्तर है। जब भी आप कॉटन का अस्तर डालें उसको पहले धो लें और आयरन कर लें उसके बाद ही कटिंग करें। तो देखिए मैंने इसको धोने के बाद आयरन भी कर लिया और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम आगे का पार्ट निकालते हैं। तो जो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच है तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 14.5 इंच में मार्किंग करते हैं। और देखिए इसको मैं बोट नेक में बना रही हूँ तो जो शोल्डर हमारा 13 है और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो देखिए ये मैंने 14 इंच पर मार्किंग कर ली है, डबल फोल्ड में 7 ले लिया है। मुड्डे 7 इंच और ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज है। तो देखिए तैयार करेंगे जब हमारा 8.5 इंच आएगा और कोई भी साइज़ का बनाते हैं उसमें 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। अभी देखिए गुलाई करते हैं, गुलाई 1.5 इंच की। अभी शोल्डर पे 1/2 इंच डाउन पे मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को यहाँ पे नेक तक क्रॉस में ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से आएगा। और अभी हम नेक लेते हैं तो देखिए नेक 4 इंच ले रहे हैं शोल्डर से और ये थोड़ा सा डीप रखूँगी बोट नेक से। जैसे बोट नेक हमारा तैयार में 3 इंच रहता है मैं इसको 4 इंच तैयार में रखूँगी तो 4.5 इंच ले रही हूँ। एक बॉक्स बना लेते हैं और देखिए क्रॉस में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 2 इंच की। जो हमने ये मार्किंग की है यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अभी हम इसको सेम डॉट पर कट कर लेते हैं। हमने आगे का पार्ट कट किया था, अभी हम पीछे का कट करते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया अपनी तरफ और यहाँ पे इस तरह से इसको ड्राफ्ट को रख देंगे। तो देखिए मैंने सेम ड्राफ्ट इस तरह से सेट कर दिया है और सेम ड्राफ्ट में इसको कट कर देंगे, नेक को भी सेम और पूरा सेम ड्राफ्ट भी इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस ड्राफ्ट को भी कट कर लिया है तो आगे पीछे दोनों पीस हमारे तैयार हो गए। अभी जो आगे का पार्ट है यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है वो कर लेते हैं। तो देखिए शोल्डर से सेम रहेगा और यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच की मार्किंग कर लेते हैं जो हमारा ये तैयार साइज है और सेम ड्राफ्ट में इस पर कट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा ये डिजाइन वाला कपड़ा है इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है आगे पीछे दोनों पार्ट के लिए और जो हमारा ये पीछे वाला ड्राफ्ट है इसको रख के हम कट करेंगे क्योंकि आगे का रख के कट करेंगे तो ये पूरा एक्स्ट्रा कटिंग पीछे भी चली जाएगी। तो पीछे वाला पार्ट हम पहले सेम डॉट पर इसको कट कर लेते हैं तो इसमें दोनों पीस आ जाएंगे और फिर आगे की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। उसका एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और पीछे का सेम रहने देंगे। तो देखिए आगे के पार्ट की मैंने एक्स्ट्रा कटिंग भी कर दी है, नेक भी कट कर दिया है। अभी प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए सेंटर से 4 इंच ले रहे हैं और 1 इंच की इसमें प्लेट रहेगी और जो प्लेट की लंबाई रहेगी 4.5 इंच लेंगे। तो जो हमने 4 इंच लिया है उसी में से 1 इंच हमने साइड में ले लिया है और उसी में से ये 1 इंच में ही प्लेट तैयार हो गई है। तो देखिए इसी तरह से दूसरी साइड मार्किंग कर लेंगे और अभी बैक पार्ट में बताती हूँ। तो देखिए ये पीछे का पार्ट है इसमें भी सेम 4 इंच लेंगे लेकिन इसमें प्लेट हम 1 इंच की नहीं थोड़ी कम लेंगे 1.25 इंच के आसपास की और लंबाई सेम लेंगे 4.5 इंच। तो देखिए इस तरह से ये प्लेट आएगी, सेम इसी तरह दूसरी साइड मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, इसमें से हम नेक ड्राफ्ट निकालेंगे। तो जो देखिए नेक का जो ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को हम इस तरह से रख लेंगे और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ले लेंगे और जो कैनवास कट करेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच। तो सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं, आगे पीछे दोनों पार्ट हैं इसमें कट कर
कर लिया है। तो ये हमारा कैनवास नेक पट्टी पूरा तैयार हो चुका है। जैसे कि मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ, तो यहाँ पे फिनिशिंग के लिए जो हमारे नेक के ड्राफ्ट है इसमें से पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस पीस को हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे और 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। इसी तरह सारी पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो देखिए, ऊपर का ब्लाउज जो है हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। आमोल की पट्टी भी कट चुकी है, नेक ड्राफ्ट भी कट चुका है और ब्लाउज भी, तो ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम नीचे का स्कर्ट कट करते हैं। तो देखिए, अभी जो ये कपड़ा है इसको हम खोल लेते हैं। और ये हमारा जो कपड़ा है नीचे का है, ये 2 मीटर कपड़ा है। और अभी हमें 2 मीटर कपड़े को पूरी अच्छे से खोल लेते हैं। तो देखिए, जो 2 मीटर कपड़ा है इसको मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बंद हिस्सा है और इस साइड में खुला हिस्सा है, नीचे की तरफ भी खुला हिस्सा है और दूसरी साइड में भी। तो जो बंद हिस्सा है इसकी तरफ हम जो खुले हुए हिस्से को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अम्ब्रेला कट बना रहे हैं इसलिए। तो देखिए, जो हमारा ये कोना है फोल्डिंग का, यहाँ से हम कमर निकालेंगे। तो देखिए, जो हमारी कमर है वो 14 इंच है, मतलब डबल फोल्ड में, सिंगल में 28 इंच है। तो उसके लिए आपको ये 7 इंच में मार्किंग करनी है, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट है, यहाँ पर गुलाई आ जाती है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखिए, मैंने ये 7 इंच में ले लिया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ से हम जो कोन आए यहाँ से मेजरमेंट कर लें, तो यहाँ पर देखिए ये 9.25 इंच आ रहा है। तो सेम हमको 3 पॉइंट देने हैं 9.99 इंच के। तो देखिए, जो सेंटर वाला पॉइंट है ये भी बराबर है, और सेम जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम यहाँ से मेजरमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा पार्ट कम हो गया है। तो आपको यहाँ से हल्का सा और नीचे उतार लेना है, और यहाँ से भी हम इस तरह से इसको उतार लेंगे, तो हमारी ये कमर साइज एकदम बराबर से आ जाएगी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 7 इंच आ गया। तो देखिए, जो हमारी फ्रॉक की लंबाई थी, पूरी लंबाई उसकी 41 इंच थी, तो उसमें से हमने 13.5 इंच का ब्लाउज निकाल लिया है। और देखिए, बाकी का पार्ट हम यहाँ से कट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम 28.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि नीचे हम पीको करेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, और सेम आपको यहाँ से इसके भी 3 पॉइंट देने पड़ेंगे कमर से, तो 28.5 इंच पे। और देखिए, 1 पॉइंट हमको यहाँ पे साइड में देना है। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने 28.5 इंच ले लिया, तो इस तरह से हम इसकी शेप दे देते हैं। तो देखिए, अभी जो मार्किंग की है सेम मार्किंग पे फोल्डिंग में काफ़ी घेर है इसमें, और जब हम इसमें नीचे पीको करेंगे तो और भी ज़्यादा घेर हो जाएगा। तो देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम इसका अस्तर कट कर लेते हैं। तो देखिए, जो अस्तर की लंबाई ली है मैंने, ये डबल फोल्ड कर लिया है, आगे पीछे दोनों पार्ट आ जाएंगे। जैसे हमने 28.5 इंच ली थी नीचे घेर की, जो नेट का कपड़ा था, तो इसके हम 27.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। तो 27.5 इंच में मैंने इसको कट किया, इसको मैं ए लाइन में कट करूँगी। तो जो हम कमर ले रहे हैं ये हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर प्लेट डाल देंगे, तो ये 9.5 इंच ले रहे हैं। और यहाँ से लेके हम इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि मैं ए लाइन में डाल रही हूँ इसको। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ तक कट कर देंगे, और जो नीचे का है यहाँ पे, तो हल्का सा आपको इस कोने पे बस गुलाई करना है और सेम ड्राफ्ट पे कट। मैंने कट कर लिया है। तो देखिए, ये भी हमारा अस्तर के साथ कंप्लीट हो चुका है, और ब्लाउज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, ये पूरा फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है कटिंग, और सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो सिलाई के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।